राम कथा भगवती सती को सुनाई। सती देवी के मन में संकोच तो उठाई। अब इस बार सती देवी ने बड़ा मन लगाकर पूरे मनोयोग से कथा सुनी है। अब भगवती सती देवी ने अपनी इस लीला से ये हमको बतलाया, अपनी इस लीला के माध्यम से हमें ये संदेश दिया, उपदेश दिया, अथवा तो ये शिक्षा हमें प्रदान की कि कभी भी कथा कीर्तन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपने गुरुदेव पतिदेव और अपने सयाने जो माता पिता गुरुजन हैं उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनकी बातों का बहुत महत्व समझना चाहिए। भले ही कभी उनके द्वारा कोई गलत बात ही क्यों ना कह दी जाए, उस पर भी एकदम विरोध नहीं जताना चाहिए, बल्कि उस पर थोड़ा विचार करने की प्रार्थना करनी चाहिए, विचार करने की प्रार्थना। तो सती जी ने एक प्रकार से सीधे सीधे कह दिया कि भगवान मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि ये नारायण है। तब उसने परीक्षा भी ले ली थी, ऐसा ऐसा अपराध उनसे हुआ था, और तब भगवान शंकर ने त्याग दिया था। अब एक श्रोता बना दिया सती देवी को, अपनी धर्म पत्नी के पद से हटा करके एक कथा श्रोता ऐसा बना दिया जिसे कथा सुनने की जरूरत है। भगवती सती जगदम्बा स्वयं भगवान सदाशिव की आद्या शक्ति हैं, वो शिवा भवानी हैं, उनको कोई ऐसा अज्ञान तो नहीं आ सकता है, पर उन्होंने ऐसी लीला जानबूझ करके की है ये बताने के लिए कि अगर आप लोग भी, मतलब आप लोग का मतलब जो आजकल के हम श्रोता वक्ता हैं, सुनने सुनाने वाले लोग भी, अगर लापरवाही से सुने, लापरवाही से सुनाएं, कथा सुनने सुनाने में मन न हो, मनोयोग न हो, तो फिर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। स्वयं मैं भगवती शिवा जो परम ज्ञान स्वरूपा हैं, जो ज्ञान की ही देवी हैं, ऐसी भगवती सती की तरह तुम क्यों न बन जाओ, फिर भी तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। ये संदेश दे रही हैं, ये शिक्षा हमको दे रही हैं कि कथा कीर्तन में तो कोई कितना ही अपने को महान समझता हो या किसको किसी को कितनी ही उपलब्धि हो चुकी हो, बहुत बड़ी प्राप्ति हो चुकी हो, कोई पूरी दुनिया का मालिक ही बन गया हो, या फिर वह भगवती सती की तरह क्यों न बन गया हो, उसको भी भगवान की कथा में बैठना चाहिए, बहुत भाव से सुनना चाहिए, पूरी लगन के साथ सुनना चाहिए, और सुनने के बाद उसकी चर्चा भी करनी चाहिए, उसका मनन भी करना चाहिए। स्वयं भगवती सती देवी अब कथा श्रोता बनकर बैठ गई आगे से, और जहाँ भगवान ने इशारा किया वहाँ बैठ गए। भगवान ने बाईं तरफ आसन नहीं दिया बल्कि सामने बैठने के लिए कहा, तो वो सामने बैठ गई। भगवान ने उनको अनेक प्रसंग सुनाए और जो है राम लीला सुनाई, राम जी की महिमा सुनाई, भगवान नारायण के अवतारों की चर्चा सुनाई। उसमें भी जो भगवान रुद्रदेव सदाशिव जो हैं, जो राम जी को अपना इष्ट देव बनाए हुए हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र भगवान को अपना इष्ट देव बनाकर उनकी महिमा का गायन किया, सती भगवती को सुनाया, और फिर बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, हम एक एक करके सब चर्चा करने में तो यहाँ पर असमर्थ हैं, इसलिए
थोड़ा सा ही आपको सुना सकते हैं, जितना सा थोड़ा सा समय मिला है। तो मौखिक रूप से ही कुछ सुनाना पड़ेगा। भगवती सती देवी को कथा सुनते हुए बहुत वर्ष बीत गए, वो भी नहीं हो कथा से, जो हृदय में कथा को बिठाकर कथा सुनेगा वह कभी भी उबेगा नहीं। भगवती सती ने हजारों वर्ष तक कथा सुनी निरंतर नित्य प्रति, फिर भी वो और कुछ नया नया और सुनना चाहती है। अब बीच बीच में पहले कुछ घटित घटनाओं की चर्चा हुई कि भगवान जब प्रजापति दक्ष को प्रजापति का पद मिला था तब वो अहंकारी हो गया था, प्रभुता पाई काई मद नाही, नहीं को अस जन्मा जगमाई प्रभुता पाई जाई मद नाही। मतलब प्रभुता प्राप्त करके मद मतलब अहंकार अभिमान बड़प्पन आ जाता है, कोई बिरले ही सौभाग्यशाली हैं, धर्मात्मा महात्मा हैं जिनको ऊंचा पद पाकर किसी प्रकार का कोई अभिमान ना आवे। ये केवल भगवत कृपा गुरु कृपा से ही हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति अपने को सबसे बड़ा मानने लगा। और एक बार कहीं कहते हैं प्रयागराज में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें सारे देवी देवता इकट्ठे हुए, भगवान शिव भी गए और परिवार सहित वहाँ भगवान केवल भगवती पार्वती देवी को छोड़कर नहीं सती देवी को छोड़कर बाकी सब परिवार भगवान का नंदीगण आदि सभी साथ में थे भगवान के। तो उसमें प्रजापति दक्ष को अध्यक्ष बनाया गया था, सभा का अध्यक्ष, सभाध्यक्ष। तो अब क्या हुआ कि उसमें दक्ष प्रजापति काफी देर से पहुंचे, पहले सब पहुंच गए थे देवी देवता, दक्ष अंतिम में पहुंचे। सभी देवी देवताओं ने यहाँ तक कि इंद्रादि जो देवता हैं सभी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, केवल ब्रह्मा विष्णु को छोड़कर बाकी सभी ने उनको दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, नमन किया। केवल भगवान शंकर भी, वो तो अपने ध्यान में भी थे, जानबूझ के भी भगवान ने कुछ ऐसी ध्यान की लीला की वहां पर और ये दिखा दिया कि दक्ष प्रजापति हमारा ससुर है, वो आए तो हम जो है ध्यान का बहाना कर देंगे, और वो अभिमानी अहंकारी तो हो ही गया है, तो हमको अगर वो ध्यान में देखेगा तो ये समझ लेगा कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, हमने तो जानबूझ के नहीं करना, मतलब देख करके नहीं करना है, क्योंकि सभा में सभ्यता होनी ही चाहिए, जो सभा में बैठने योग्य है उसी को सभ्य कहा जाता है, मतलब जिसमें नियम मर्यादा है, जो छोटा बड़ा और ज्येष्ठ कनिष्ठ और शुद्ध अशुद्ध का विचार करे और उस प्रकार से अपना अपना अपने योग्य स्थान ग्रहण करे वह महान कहा जाता है, वह सभ्य कहा जाता है, उसकी सभ्यता जो है यही है कि वह जबरदस्ती कहीं घुसता नहीं है, बड़ी विनम्रता के साथ ही जो वहाँ के वासी निवासी लोग हैं उनसे राय परामर्श करके उनसे आज्ञा अनुमति लेकर ही वह आगे बढ़ता है और जो भी कार्य उसको करना होता है बिना अनुमति के नहीं करता, यही सभ्यता है। तो उसमें
दैव योग से ऐसा हुआ कि भगवान शंकर नहीं उठे, तो दक्ष प्रजापति ने जब भाषण दिया, अध्यक्षीय भाषण, जब दक्ष प्रजापति ने भाषण दिया तो उसने, क्योंकि औरों का तो हो चुका था, दक्ष प्रजापति अंतिम में आए तो उनका उनका महाराज और तो सब हो गया है, केवल अब अध्यक्षीय भाषण, क्योंकि आपको आने में विलंब हुआ तो आपकी आज्ञा अनुसार हमने सभा शुभारंभ कर दिया है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कह दिया होगा पहले ही कि मैं यदि देर से भी पहुंचूं तो सभा का शुभारंभ हो। शुभारंभ होने के बाद जब दक्ष प्रजापति आए हैं तो फिर उनका भी भाषण हुआ। उन्होंने भाषण में भगवान शिव को ही खरी खोटी सुनाना शुरू किया, पहले उन देवताओं को, और उनसे कहा भाई तुमने ये कैसा आदमी बुला दिया जो है सभा में, सभा में तो सभ्य लोग होने चाहिए, जो अपने से बड़ों को, अपने सास ससुर माता पिता गुरुजनों को जो प्रणाम भी न करे और आदर के लिए खड़ा भी न हो, हाथ भी न जोड़े, ऐसे असभ्य को तुमने सभा में यहाँ कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, ऐसे अभ्यक्ति सभा के योग्य नहीं होता है। अब वो देवता और जो भी वहाँ पर ऋषि महर्षि थे सब वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि ये कौन यहाँ पर असभ्य है ऐसा जो ये प्रजापति दक्ष बोल रहे हैं। तो कोई कहता चुप रहो ये सब भगवान शंकर की लीला है। दक्ष प्रजापति बड़ा अभिमानी हो गया है, इसके बहुत मद इसको प्राप्त हुआ है, प्रभुता प्राप्त होने के कारण ये बड़ा मदान्वित तो हो चुका है, प्रभुता पाई काही मद नाही। तो ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ऐसा मोह हो जाता है, फिर ये तो जो है एक बड़ा राजा है, पूरे पूरे ब्रह्मांड का राजा बना है, तो इसको तो मद होना है। आपस में देवता लोग बात कर रहे हैं, ऋषि महर्षि बात कर रहे हैं, यहाँ भगवान शंकर की लीला चल रही है, उन्होंने जानबूझ करके बहाना लगा दिया, अपना बैठे रहे ध्यान में, दक्ष प्रजापति आए जाए इससे उनको कोई मतलब नहीं था। अब सब लोग तो विष्णु ब्रह्मा आदि तो सब महिमा जानते हैं सदाशिव की, इसलिए सब नमन कर रहे हैं भगवान शंकर को, लेकिन दक्ष प्रजापति नमन करना तो रहा दूर, सोचता है कि जवाई जो है बेटे के समान होता है, और शंकर मेरे जवाई बने हैं तो मेरे लिए मेरे पुत्र के समान हैं, तो इन्होंने मेरी सेवा करनी चाहिए, मुझे नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये सभ्यता है। जबकि उसने सोचना ये चाहिए था कि ये तो सदाशिव भगवान भक्तवत्सल महाप्रभु हैं, जगत कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए कोई भी रिश्ता नाता बना लेते हैं भले ही, लेकिन ये तो परम दयालु हैं, परम करुणा सागर हैं, इन्होंने मुझे ससुर का भी पद प्रदान करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि की है, ये किसी के यहाँ संतान के रूप में भी अवतार ले लेते हैं, जैसे अनुसुया माता के यहाँ दुर्वासा जी के रूप में इन्होंने अंशावतार धारण किया था, ऐसा विचार करना चाहिए था दक्ष प्रजापति ने, और ऐसा मन में भाव जगा करके भगवान को नमन करना चाहिए था, हृदय से प्रणाम करना चाहिए था। बाहर अगर दंडवत प्रणाम नहीं भी करता, हृदय से कर लेता तो भगवान समझ जाते और प्रसन्न हो जाते कि ये अभी मेरा ससुर बना हुआ है, दंडवत नहीं करेगा लेकिन हृदय से प्रणाम कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसके हृदय में भाव है, ये हमारा भक्त बनने योग्य है, इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो जाते। परंतु उसके मन में बड़ा ही जो है मद छाया हुआ था, अहंकार अभिमान के कारण वह नहीं कर पाए और अंडबंड बातें करने लगा। दक्ष प्रजापति ने कैसा कैसा कहा और क्या क्या कहने लगा दक्ष प्रजापति, भगवान शिव की लीला महिमा है, इसलिए दक्ष प्रजापति ने जो बोला वो भी भगवान की लीला है, इसलिए एक श्लोक पढ़ेंगे उसका,
ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को ये महिमा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, भगवान सदाशिव की महिमा लीला अद्भुत है, अलौकिक है। वो आज जवाई बन करके जो है बैठे हुए हैं, दक्ष प्रजापति को ससुर बना रखा है और फिर उसके कल्याण के लिए ही वो प्रणाम न करने की लीला भी कर रहे हैं। तब दक्ष प्रजापति ने उनको ऐसा कुछ बुरा भला कहा। दक्ष उवाच, रुद्रो ययम् यज्ञ बहिष्कृतो मे वर्णेष्वतीतो तविवर्ण रूपः देवेर्न भागं लभतां सहैव शमशानवासी कुलजन्महीनः। दक्ष प्रजापति कहने लगा कि अरे ये रुद्र जो देवता है ये तो जो है बड़ा ही, आप लोग जानते नहीं हो रुद्र के विषय में, ये कुलहीन है, जातिहीन है, न इसकी कोई जाति है, न इसका कोई कुल है, न कोई इसके माता पिता हैं, और जो है रहने का भी ठिकाना नहीं, शमशान में रहता है, और कुल और जन्म से हीन है, न इसका कभी जन्म होने वाला न कभी मरण होने वाला। इस निंदा के बहाने वैसे दक्ष प्रजापति भी भगवान की महिमा ही गा रहा है, लेकिन वह थोड़ा अज्ञान में डूबा हुआ है, इसलिए इसको समझ रहा है कि मैं शिव की निंदा करूं, और वैसे प्रशंसा ही हो रही है। कहा, क्या कहा उसने, कहा कि यज्ञ बहिष्कृतों में मैंने रुद्र देवता को, भगवान शंकर को यज्ञ से बाहर कर दिया, इसलिए मैं महापापी हूँ। मतलब एक अर्थ ऐसा भी मतलब बन जाता है, स्तुति परक अर्थ, मतलब भगवान की लीला। तो और क्या, वर्णेश्व तीतोथ विवर्ण रूप, ये सभी वर्णों से परे हैं, भगवान है, मनुष्य की जाति होती है, भगवान की कोई जाति नहीं। जो परब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, उनको जाति से क्या लेना देना। जाति आवश्यक तो हमारे लिए है, मान मर्यादा के लिए, धर्म पालन के लिए, अपना अपना जो है भजन सिद्ध करने के लिए, अपनी अपनी कार्य प्रणाली को सफल बनाने के लिए, अपने अपने संस्कारों को उजागर करने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है, इसलिए हमारे लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई, और जगत कल्याण इसी व्यवस्था के ही माध्यम से हुआ है पहले। आज भी इसी व्यवस्था को कोई हृदय से माने तो उसी का भला हो सकता है, जो इसका विरोध करे और विदेशी राजनीति का सहारा लेना चाहे और मनमानी करे, उसको अंतकाल में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती है, जिसने मर्यादा को ठुकराया होगा। तो विवर्ण रूपः, अतीत हैं ये, वर्णों से अतीत हैं, और क्या हैं, विवर्ण रूपः, ये इनका कोई वर्ण भी नहीं है, मतलब न ये सफ़ेद हैं, न लाल हैं, न पीले हैं, न हरे हैं, न काले, किसी रंग में भी नहीं है, पर सभी रंग इनमें हैं, और ये सभी रंगों से परे भी हैं, मतलब परब्रह्म है। अब वो जो है दक्ष प्रजापति अहंकार में आकर के उसकी स्तुति भी भगवान के लिए गाली बन गई, मतलब अपमान बन गया। अगर भाव नहीं है हृदय में, भाव भक्ति नहीं है, तो हम कितने ही स्तोत्र पाठ करें वो भी भगवान को का एक प्रकार का अपमान हो जाता है, क्योंकि हमारे हृदय में तो भाव है नहीं। अपमान पूर्वक हमने कथा सुन ली, भगवान का नाम ले लिया, तो वैसे तो जो सर्वसमर्थ भगवान हैं उनका अपमान ही हुआ,
लेकिन भगवान अति उदार होने के कारण, अत्यंत दयालु होने के कारण, जो बैर से भी उनका नाम ले ले उसके ऊपर भी कृपा कर ही देते हैं। ऐसी दक्ष प्रजापति के ऊपर भी कृपा की, भले ही वो बड़े बैर से बोल रहा है, भगवान शिव का विरोधी बनकर बोल रहा है और कह रहा दैवेर्न भागम लभताम सहेवा, यह देवताओं के द्वारा भाग को प्राप्त न करे, अर्थात इनको देवता कोई भाग न देवें, यज्ञ का भाग, यज्ञ का हिस्सा इनको न मिले, शंकर भगवान को न मिले, ऐसा दक्ष प्रजापति कह रहा है। क्योंकि ये शमशान वासी हैं और कुल जन्महीन है, तो इसका सकारात्मक अर्थ, प्रार्थनात्मक अर्थ ये बनता है कि देवता भी इनको कोई भाग दे ही नहीं सकते हैं, ये सब देवताओं को देने वाले हैं, इनको कोई देने वाला नहीं है, ये स्वयं विश्वंभर हैं और अपना इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये परब्रह्म परमात्मा हैं, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और ये सबको देते हैं, इनको कोई नहीं दे सकता, देवता भी नहीं दे सकते, ब्रह्मा विष्णु भी इनको कुछ नहीं देते, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि समस्त देवताओं को सब कुछ देने वाले हैं। सभी जो ब्रह्मर्षि परमर्षि हैं, दिव्यर्षि देवर्षि हैं और सप्तर्षि हैं, महर्षि हैं, ऋषि मुनिगण हैं, ये सब जो हैं इन्हीं से सब कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान ध्यान विज्ञान मान और धन अन जन जीवन सब कुछ ये भगवान सदाशिव से प्राप्त करते हैं, इनको कोई कुछ नहीं दे सकता और ये इनको कहीं निवास की भी जरूरत नहीं है, ये चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो हैं, ये चिता का भस्म लेपन करने वाले और इनका कोई कुल नहीं है, कुल से भी परे है, ये कुल वंश की जरूरत हम मनुष्यों के लिए है, दक्ष प्रजापति जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि वह उच्च कुल में जन्म कर अगर उच्च भावनाओं से परिपूर्ण न हो तो उच्च कुल भी व्यर्थ है। अगर ये संकेत किया गया भगवान ही कुल और जन्म से हीन हो सकते हैं, हमें तो कुल और जन्म का प्रभाव हम पर अवश्य ही पड़ेगा, इसलिए कहते हैं तो स्तुति परक अर्थ है, भगवान सदाशिव इतने बड़े दयालु हैं कि अंत में दक्ष प्रजापति की इस गाली गलौज का भी सही अर्थ भगवान ने प्रकट कर दिया, मतलब इसकी इसको स्तुति समझ लिया अपना, इस स्तुति को भगवान ने याद कर लिया। कोई भगवान को गाली भी देता है, वैसे तो कहा यह जाता है भाई कुवाई अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, तो भाई कुवाई जैसे भी हो भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, नाम लेने से सभी दिशाओं में महामंगल और छा जाता है, ऐसा महामंगल का माहौल बन जाता है, ऐसी दिव्यता छा जाती है। तो कहते हैं कि उस समय भगवान शंकर ने जो है और उसको स्तुति ही मान लिया, कहा चलो भगवान शांत रहे कुछ नहीं बोल। अब ये बाद में कुछ गालियां भी देने लग गया दक्ष प्रजापति और कहने लगा मैं शाप देता हूँ, जो भी आज से जो ये रुद्र शिव की पूजा करेंगे, ये शिवगण ये सब जो है बड़े ही निंदा के पात्र बनेंगे, अवगढ़ बनेंगे और इनका कोई नियम शास्त्रों
के नियमों से ये रहित होंगे, इसलिए इनको अवघड़ कहा जाएगा। शिवगणों में कुछ अवघड़ भी होते हैं शिव भक्तों में, और भगवान शिव की कृपा से उनको सिद्धि भी प्राप्त होती है, लेकिन उसका भी एक विधान है, विधि है। हर किसी के लिए अवघड़ बनने का कोई मतलब नहीं है। कोई विशिष्ट पात्र जिसे भगवान बनाना चाहें वो बन सकता है, नकल करके नहीं बन सकता है कि वो बन गया तो हम भी बन जाएं। तब उसने जो है ऐसा जो है वह जब गाली गलौज करता है तब जो है उसने जब ये कहा ना पाखंडिन और दुर्जन पापशीला दृष्ट्वा द्विजं प्रोद्धग्नन्दकाश्च बद्ध्वा सदा सक्तरति प्रवीणा प्रवीणस्तस्मादमं सप्तमहं प्रवृत्तः, मैं इस रुद्र देवता को शाप देता हूँ कहने